सो टोटली शॉक, सी माई स्किन लुक सो फ्लॉलेस, है ना। और अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगा, यू कैन सी माई फेस, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने एक लिपस्टिक लगाया है, दैट्स इट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, आज का DIY बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप लोग अगर परेशान हो कि बहुत आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ही डल दिखता है, तो अगर ये होम रेमेडीज आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा रिजल्ट। आपको Day 1, Day 2, Day 3 इस तरह से मैंने बनाया है आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पर देखिए मैंने लिया है हाफ टोमेटो, आप देख सकते हो यहाँ पर हाफ टोमेटो को कट कर लेना अच्छी तरह से, आपके स्किन को अच्छी तरह से आपको रब करना है जब तक कि टमाटर पूरी की तरह खत्म ना हो जाए, सिर्फ छिलका बच जाए। एटलीस्ट इसे करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, बी पेशेंट, आपको थोड़ी पेशेंट होने की जरूरत है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो अच्छी तरह से आपको मसाज करना है, यू नो सर्कुलर मोशन में इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मसाज करना। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। जैसे आप लोग बता दो फ्रेंड्स, टोमेटो में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे ब्लीचिंग का काम करती है हमारे स्किन पे और बहुत ही अच्छा ग्लो देती है। इसके बाद आपको इजिली वॉश आउट कर लेना है। डे टू में आपको क्या करना है, डे टू में आपको लेना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जगह आप प्लांट्स लोगे तो सबसे बेस्ट है। उस पर आपको कस्तूरी हल्दी डालना है, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हल्दी जो होता है, कस्तूरी हल्दी हमारे पिगमेंटेशन को कम करती है, जो हमारे स्किन ब्लैकिस होती है उसे कम करता है। और एलोवेरा के बेनिफिट तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, बेबी सॉफ्ट बनाता है। तो आपको अच्छी तरह से एलोवेरा जेल के ऊपर कस्तूरी हल्दी को ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसे मसाज करना है 7 से 8 मिनट्स तक। और अच्छी तरह से आपको इस तरह से आपके स्किन को लिफ्टिंग भी करते जाना है, इससे आपकी स्किन पे झुर्रियां भी नहीं होती। और देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसे अच्छी तरह से मसाज करते जाना है। पूरा नेक एरिया भी आपको कवर करना है, नेक एरिया बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अच्छे से मसाज हो जाने के बाद यहाँ पर आपको यूज करना है, फिर इसे वॉश कर लेना है। इसे ऐसे ही एज इट इज 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। आप अपने काम करते रहिए, बस किचन में मत जाइए ज्यादा, किचन से थोड़ा दूर रहिए, बाकी आप कोई भी काम कर सकते हो। और इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह से रहने दीजिए। और बहुत सारे लोगों को शिकायत होती कि जो हम लोग प्लांट्स लेते हैं ना उसे बहुत ही इचिंग होती है, तो आप एलोवेरा जेल लेके भी अच्छी तरह से मसाज कर सकते हो। तो ये है Day 2 आपको करना है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। Day 3 में आपको क्या करना है, आपको लेना है बेसन, जो कि आपके इजिली किचन में अवेलेबल है। बेसन ले लेना है, इसमें आपको कस्तूरी हल्दी, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने कस्तूरी हल्दी के एक्सट्रैक्ट है वो मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 ड्रॉप ही ऐड करना है, दैट्स इट, ज्यादा ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास वो भी नहीं तो कच्चा हल्दी मार्केट में आता है, कच्चा हल्दी घस के भी आप ऐड कर सकते हो। अगर कच्चा हल्दी भी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ आप जो गुलाब जल है उसे ऐड कर सकते हो। गुलाब जल ऐड करना है, अच्छे से पेस्ट बनाना है और अच्छे से लगा के आपको इस तरह से छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट्स लगते हैं फ्रेंड्स, और उसे अच्छी तरह से वॉश आउट कर लेना है। आप देखेंगे Day 1, Day 2, Day 3 आपका स्किन बहुत ही फ्लॉलेस होगा फ्रेंड्स, और आपके जो भी ब्लेमिश है, जो भी आपके पिगमेंटेशन है, बहुत सारे जो A to Z स्किन प्रॉब्लम है उसे ये छुटकारा देता है फ्रेंड्स। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे। सो ये वीडियो आज का आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना, और मेरे बहुत सारे वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मुझे सपोर्ट करते रहना, मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लेके आती रहूंगी। फिर बाय, टेक केयर।